नमस्कार, आप सभी प्रशिक्षुओं का साईं कॉलेज ऑफ टीचर ट्रेनिंग ओनामा के इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डीएलएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड F12 के बारे में। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा, F12 में हमको पढ़ना है ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसके अंदर हमें इंटरनेट, इंटरनेट सुरक्षा, इंटरनेट से हम ऑनलाइन कार्य कैसे करें, कंप्यूटर की कार्य संरचना क्या होती है, इन सब के बारे में हमें जानकारियां लेनी है, जानकारियां प्राप्त करनी है। तो जब हम कंप्यूटर, इंटरनेट इन सब की बात करते हैं तो हमारे मन में एक डर भी आता है, एक मन में ख्याल भी आता है, और वो डर होता है कंप्यूटर वायरस का। कोई व्यक्ति, कोई प्रशिक्षु यदि कंप्यूटर लेता है तो सबसे पहला उसका डर ही रहता है कि हमारे कंप्यूटर में कहीं कोई वायरस ना आ जाए। इस वायरस से हम कैसे बच सकते हैं? यदि वो इंटरनेट यूज करता है तभी उसके मन में डर रहता है, यदि हम इस वेबसाइट पर जाएंगे, यदि हम इस PDF फाइल को डाउनलोड करेंगे तो शायद उस PDF फाइल से हमारे कंप्यूटर में कहीं कंप्यूटर वायरस की एंट्री ना हो जाए। तो ये कंप्यूटर वायरस होता क्या है, ये कार्य कैसे करता है, इसकी संरचना कैसी होती है, आज हम इस वीडियो में इसी पर डिस्कस करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। आज का आपका टॉपिक ही है कंप्यूटर वायरस। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। कंप्यूटर वायरस के बारे में डिफिनेशन से पूर्व हम जानते हैं वायरस का फुल फॉर्म होता क्या है। आपका टॉपिक आज का है कंप्यूटर वायरस। तो हम जानेंगे वायरस का आखिर अर्थ क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है। वायरस का मतलब है VIRUS, वायरस, जिसमें भी का अर्थ होता है वीटल। भी से हम बोलते हैं वीटल। वीटल का अर्थ होता है महत्वपूर्ण, यानी कि इम्पोर्टेंट। और दूसरा होता है आई से इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन यानी कि सूचना। और आर का होता है रिसोर्स, रिसोर्स का आपका अर्थ होता है साधन या फिर संसाधन। रिसोर्स का अर्थ होता है साधन या फिर संसाधन। यू का होता है अंडर, अंडर यानी कि वो अपने अंदर। और सी एस का होता है सीज भी होता है और सीजन भी होता है। इसका आपका अर्थ होता है जब्त करना यानी कि पैक कर लेना। तो यहाँ हम देखते हैं कि वायरस क्या कर रहा है, आपके वीटल इंफॉर्मेशन को यानी कि महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन को रिसोर्स कर ले रहा है, कैद कर ले रहा है अंडर सी, अपने अंदर वो महत्वपूर्ण सूचनाओं को क्या करें, अपने अंदर वो पैक कर ले रहा है। तो ये तो वायरस का फुल फॉर्म था, वीटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। जब एक डिफिनेशन देखते हैं कि वायरस का अर्थ क्या होता है। कंप्यूटर वायरस या कंप्यूटर विषाणु एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। ये क्या है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। वायरस को बोल सकते हैं कि ये प्रोग्राम है, कंप्यूटर प्रोग्राम है। जैसे कि आपने पिछले क्लास में जाना था, कंप्यूटर जो है प्रोग्राम पर काम करता है, तो वायरस भी क्या है, वायरस भी एक डिजाइन किया हुआ प्रोग्राम है जो कार्य क्या करता है, कंप्यूटर में एकत्रित सूचनाओं और जानकारियों को समाप्त करने के लिए यानी कि मिटाने के लिए हैकर के तरफ से तैयार किया जाता है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आपका कंप्यूटर जो है पूरी तरह से प्रोग्रामिंग किया जाता है, प्रोग्राम के तहत काम करता है। तो वायरस क्या करता है, वायरस भी एक तरह का कंप्यूटर प्रोग्राम है और कुछ नहीं है। ये ऐसा कोई नहीं है कि कहीं से आया, ये भी एक डिजाइन किया हुआ प्रोग्राम है। इसको डिजाइन कौन करता है, हैकर के द्वारा, यानी कि जो भी आपका इंफॉर्मेशन चुराना चाहते हैं उसको, उन लोगों को हम हैकर कहते हैं। तो हैकर के द्वारा तैयार किया गया यह एक प्रोग्राम है। इसका काम क्या होता है, कंप्यूटर में जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां या जो भी सूचनाएं होती है उसको वो मिटाने का या चुराने का काम करता है। इसे जो है डिस्ट्रक्टिव इलेक्ट्रॉनिक कोड यानी कि विनाशकारी इलेक्ट्रॉनिक कोड भी कहा जाता है। आप वायरस को बोल सकते हैं कि एक विनाशकारी इलेक्ट्रॉनिक कोड है जो कि आपके कंप्यूटर में उपलब्ध सभी सूचनाओं को मिटाने या डिलीट करने का कार्य करता है।
यानी कि आप ऐसे समझ सकते हैं आपका कंप्यूटर जो है जैसे आप संचालित करते हैं तो वो अपने आप यानी कि वायरस के द्वारा वो संचालित होने लगता है, यानी कि जो उसको डिजाइन करके आपके कंप्यूटर में या मोबाइल में पुट कर दिया है उसके द्वारा आपका मोबाइल या कंप्यूटर जो है चलने लगता है, आपके अनुसार नहीं चलता है। कंप्यूटर वायरस को जो है कंप्यूटर के प्रोग्राम में मिला देने के पश्चात इस कोड के माध्यम से आपके कंप्यूटर में या मोबाइल में गलत जानकारियां और सूचनाएं प्राप्त होने लगती है। इसी विनाशकारी कोड को हम लोग वायरस कहते हैं। ये क्या होता है? एक विनाशकारी कोड होता है। इस कोड को क्या कहते हैं? जो आपका कंप्यूटर का प्रोग्राम है, आपके कंप्यूटर में जो प्रोग्राम डिजाइन किया गया है उस डिजाइन में इस वायरस को मिला दिया जाता है, इस डिजाइन को मिला दिया जाता है। मिला देने के पश्चात होता क्या है? इस कोड के माध्यम से आपके कंप्यूटर में रॉन्ग जानकारियां, गलत जानकारियां, गलत इन्फॉर्मेशन जो है और सूचनाएं प्राप्त होने लगती है। तो जो ये विनाशकारी कोड जो भी प्रोग्राम डिजाइन किया गया है उसी डिजाइन को हम लोग कहते हैं कंप्यूटर वायरस। शायद आप समझ पाएंगे कंप्यूटर वायरस क्या होता है। कंप्यूटर वायरस एक डिजाइन किया हुआ प्रोग्रामिंग कोड है जो कि आपके कंप्यूटर के कोड में मिला करके उसमें भेज करके आपकी सारी इंफॉर्मेशन या सूचनाओं को चुरा लेने का या फिर डिलीट करने का कार्य किया जाता है। इसी क्रम में यदि हम देखें तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में या आज के समय में अत्यधिक विनाशकारी प्रोग्राम का विकास किया जा रहा है। अभी वर्तमान में क्या हो रहा है, लोग प्रत्येक देश या पर जो भी इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं वो सभी लोग विनाशकारी प्रोग्राम का विकास कर रहे हैं, यानी कि निर्माण कर रहे हैं, जिन्हें हम कंप्यूटर वॉर के नाम से जानते हैं। उन्हें आप बोल सकते हैं कंप्यूटर वॉर। वर्म का अर्थ होता है कीड़ा। जो भी आज के समय में जो भी वायरस का निर्माण किया जा रहा है, नए नए वायरस का निर्माण किया जा रहा है, उन्हें कंप्यूटर वर्म के नाम से जाना जाता है, यानी कंप्यूटर के कीड़े के रूप में जाना जाता है। यदि हम वायरस के इतिहास की बात करें तो वायरस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग डेविड गार्ट्स ने सन 1972 में प्रकाशित अपने उपन्यास वेन हार्डली वाज। डेविड गार्ट्स ने जो है 1972 में एक उपन्यास लिखा जिसका नाम था वेन हार्डली वाज। उसमें उन्होंने वायरस शब्द का जिक्र किया है। तो आप समझ लें 1972 में इस शब्द का जो है निर्माण किया गया, वायरस शब्द का निर्माण किया गया। अब हम बात कर रहे हैं कुछ खतरनाक की श्रेणी में रखे गए वायरस के बारे में एवं उसका प्रभाव कि वो जब वायरस आया था तो उसके हमारे कंप्यूटर पर क्या प्रभाव पड़ा था। पहला वायरस जो है माइकल एंजेलो वायरस। यदि आप कला एवं संस्कृति में रुचि रखते होंगे तो आपको पता होगा माइकल एंजेलो जो है एक सुप्रसिद्ध चित्रकार का नाम है। तो माइकल एंजेलो के नाम से एक वायरस का निर्माण किया गया था। यह माइकल एंजेलो वायरस जो है 1993 में यानी कि 1993 में जो है यह वायरस आया था। उस समय माइकल एंजेलो जिसे मैंने बताया यह एक प्रसिद्ध बहुत ही फेमस चित्रकार का नाम है, उनके नाम से यह वायरस आया था 1993 में। यह वायरस जो है बहुत ज्यादा तबाही मचाया था और इसका निदान जो है भारत के बेंगलोर शहर के एक कंपनी के द्वारा किया गया, यानी कि इसका एंटीवायरस बनाया गया भारत के बेंगलोर कंपनी के द्वारा माइकल एंजेलो वायरस का। और दूसरा आपका है लव वायरस, इसका नाम ही रखा गया था लव वायरस। यह वायरस जो है ईमेल के जरिए फैलने वाला एक खतरनाक वायरस है। यह वायरस जो है 2000 में आया था। यह लव वायरस जो है 2000 के आसपास पूरे देश में, समझिए पूरे विश्व भी आप बोल सकते हैं, वहां पर इस वायरस का आतंक फैला था। इस वायरस को जो है लव वायरस नाम दिया गया। इसको बहुत लोग जो है आई लव यू वायरस भी बोलते हैं। इस नाम से भी वायरस जो है ये मार्केट में आ रहा था। यह वायरस जो है आप कह सकते पूरे विश्व के लगभग
20 देशों में फैल गया था। इस वायरस को जो है लव वायरस, आई लव यू वायरस, या फिर इसको लव बग भी बोला गया। ये तीन नामों से जो है मार्केट में आ रहा था। तो ये तीन वायरस था 2000 में आया था और ये पूरे विश्व के लगभग 20 देशों में इसका आतंक फैल गया था। यदि इसका हम प्रभाव की बात करें तो यह वायरस आपके ईमेल के जरिए फैलता था, यानी कि आपके इस नाम से आपको ईमेल आता था और जैसे इसको आप क्लिक करते थे, ईमेल को खोलते थे, तो आपके पूरे ईमेल के जितने भी डेटा हैं, जितने भी इनबॉक्स में फाइल होते हैं, उन सबको वो विकृत कर देता था, यानी कि ख़त्म कर देता था। और इसके साथ ही साथ कंप्यूटर में स्थित अनेक फाइल्स को भी गायब कर देता था। इस जो वायरस होता है, इसको अभी तक की सबसे खतरनाक वायरस की श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि ये वायरस आपके ईमेल पर आता था। कोई आपको मेल भेजा और जैसे आप मेल खोलते थे तो आपके मेल के जितने भी पार्ट्स हैं, मेल में जितने भी आपने सूचनाएं रखी है, उस सारे को नष्ट कर देता था। और उसके उपरांत आपके कंप्यूटर में स्थित जो फाइलें थी, उस फाइल को भी ये गायब कर देता था। और आपका तीसरा वायरस जो है, इसको बोलते हैं वोबलर वायरस। ये जो था वोबलर वायरस, यह भी एक ईमेल वायरस था। ये जो है आपका अगस्त 2000 में कैलिफोर्निया में पहचाना गया। ये वायरस जो है 2000 में कैलिफोर्निया में जो है वोबलर वायरस को पहचाना गया था। और आपका चौथा वायरस है, इसका नाम दिया गया था सी ब्रेन। सी ब्रेन वायरस जो है भारत का, इसका कहते भारत में पाया जाने वाला यह पहला वायरस है। यह वायरस को जो है भारत में पाए गए 22 खतरनाक वायरस की सबसे खतरनाक श्रेणी में रखा गया है। भारत में जो 22 वायरस को जो है सबसे खतरनाक श्रेणी में रखा गया, उनमें से एक आपका सी ब्रेन वायरस भी है, जिसको कहा जाता है कि यह भारत का सबसे पहला वायरस है। इसको जो है 1988 में मद्रास में पाया गया था। इस वायरस को जो है 1988 में जो है पाया गया था मद्रास में। तो यदि हम टॉप तीन वायरस की यदि बात करते हैं, तो वो टॉप तीन वायरस ये हैं जो तीन श्रेणी में रखा गया, जो अभी तक है सबसे, आप बोल सकते हैं कि सबसे खतरनाक या सबसे डेंजर जोन में है। पहला आपका वायरस है आई लव यू वायरस, जैसे कि मैंने यहाँ बताया था लव वायरस, इसे आई लव यू या फिर लव बग भी कहा जाता है। ये जो है 2000 ईस्वी में आया था। और दूसरा आपका वायरस है कोड रेड, ये वायरस 2001 ईस्वी में आया था। और तीसरा आपका है निमाडा 2001। तो ये टॉप तीन वायरस आप बोल सकते हैं जो कि पूरे विश्व में इनका आतंक रहा। जैसे वर्तमान परिस्थिति है, वर्तमान में हम सभी कोरोना वायरस से ग्रस्त हैं, कोरोना वायरस से डरे हुए हैं, उसी तरह इन तीन वायरस से भी एक समय पूरा वर्ल्ड परेशान था। तो जैसे हम इस कोरोना वायरस से भी निदान पा लेंगे, जैसे हम इन सब वायरसों से निदान पाए, आज की वर्तमान समस्या से भी हम निदान पा लेंगे। एक चीज यहाँ पर आप लोग नोट आउट कर सकते हैं, यदि आप नोट्स बना रहे हैं वीडियो को देखकर, तो एक पॉइंट इसमें आप नोट में लिख सकते हैं। नोट में आपको लिखना क्या है कि 1970 ईस्वी में, 1970 के दशक में प्रथम कंप्यूटर वायरस क्रीपर वायरस का पता लगाया गया था। जो प्रथम कंप्यूटर वायरस था उसका नाम था क्रीपर वायरस। क्रीपर वायरस को जो है प्रथम या सबसे पहला कंप्यूटर वायरस कहा जाता है। क्रीपर को डिलीट करने के लिए या क्रीपर को हटाने के लिए जिस प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन का विकास किया गया, जिस प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन का निर्माण किया गया, उसका नाम रखा गया था टिप्पर प्रोग्राम। यानी कि क्रीपर को मारने के लिए टिप्पर का निर्माण किया गया। तो आप इसको बोल सकते हैं कि 1970 में जो पहला वायरस है उसका नाम था क्रीपर वायरस, और इसको खत्म करने के लिए, मारने के लिए टिप्पर प्रोग्राम का निर्माण किया गया था। तो ये आप चाहे तो इसको नोट में आप लिख सकते हैं।
तो ये तो हो गई बात वायरस की। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं एंटीवायरस की, क्योंकि जहाँ पर वायरस की बात हो रही है तो वायरस को खत्म करने के लिए हमें हमारे पास क्या है वर्तमान में एंटीवायरस है। जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि हर किसी को डर रहता है कि हम नेट नहीं यूज करें या फिर कोई चीज हम डाउनलोड नहीं करें क्योंकि वायरस का डर रहता है। तो उस वायरस के डर को खत्म करने के लिए, वायरस को हटाने के लिए हमारे पास क्या है एंटीवायरस है। वायरस को खत्म करने के लिए हमारे पास क्या होता है एंटीवायरस। एंटीवायरस का काम क्या होता है, यह जो है वायरस का पता लगा करके उसे नष्ट कर देता है। यानी कि आपके कंप्यूटर में यदि वायरस कहीं से एंट्री कर गया आपको पता नहीं चला, तो आपके कंप्यूटर में यदि एंटीवायरस है, कंप्यूटर या आपके मोबाइल में एंटीवायरस है, तो क्या करेगा, यदि आपके मोबाइल या कंप्यूटर में वायरस आ गया तो एंटीवायरस उस वायरस को पता लगा करके उसे खत्म कर देगा। हम आप लोगों की सुविधा के लिए कुछ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का नाम बता देते हैं, क्योंकि जब हमने वायरस का नाम बता दिया तो कुछ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं जो कि बाजार में आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं या फिर आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। तो कुछ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के नाम हैं जो आप नोट आउट कर सकते हैं और इसे आप अपने मोबाइल और अपने पर्सनल कंप्यूटर में पीसी में जरूर इंस्टॉल करके रखें। हम यहाँ देखते हैं कुछ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के बारे में। यहाँ पर मैंने 10 एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का नाम लिख रखा है जो कि आपके पर्सनल कंप्यूटर यानी कि पीसी, लैपटॉप या फिर मोबाइल सभी के लिए आते हैं। मोबाइल के लिए आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होता है जो कि फ्री में आपको मिल जाता है या फिर आप मार्केट से खरीद भी सकते हैं, और कंप्यूटर के लिए आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं भी परचेज कर सकते हैं। जो पहला हमारा एंटीवायरस है कैस्पर स्काई है, जो कि एक बहुत ही अच्छा एंटीवायरस है, इसका भी आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा आता है मैक अफेयर, यह भी एक एंटीवायरस है। तीसरा आता है पेंडा सेक्रेटरी, ये एंटीवायरस भी आपके कंप्यूटर एवं मोबाइल दोनों के लिए आता है। चौथा है ट्रेंड माइक्रो, पांचवा एंटीवायरस है क्विक हील। छठा है आपका टोटल सेक्रेटरी। आपका सातवां एंटीवायरस है एवीजी एंटीवायरस, जो कि मोबाइल के लिए स्पेशल आता है। यदि आप मोबाइल में एंटीवायरस यूज करना चाहते हैं तो आप एवीजी एंटीवायरस को इंस्टॉल कर सकते हैं। एवीजी एंटीवायरस जो है मोबाइल के लिए स्पेशल आता है। ये एंटीवायरस आपको आपके गूगल प्ले स्टोर से प्राप्त हो जाएगा। आपका आठवां जो है ये एंटीवायरस है एवेस्ट एंटीवायरस। ये एंटीवायरस मोबाइल के लिए आता है और पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर लैपटॉप मोबाइल दोनों के लिए आता है। नौ नंबर एंटीवायरस है K7 एंटीवायरस, और दसवां एंटीवायरस है गार्डियन नेट सिक्योर। ये तो हमने 10 का चयन किया था। मार्केट में बहुत तरह के एंटीवायरस उपलब्ध हैं जिसका आप यूज कर सकते हैं। वो उस पर डिपेंड करता है कि आप कितनी सुरक्षा चाहते हैं, आप किस तरह का अपने लैपटॉप या मोबाइल का प्रयोग करते हैं। जैसा आपका यूज होगा मोबाइल लैपटॉप का, उसी तरह का हम एंटीवायरस का प्रयोग करते हैं। हम सभी को रिकमेंड भी करेंगे कि आप सभी, चाहे आप मोबाइल यूज करते हो या पीसी या पर्सनल कंप्यूटर लैपटॉप कुछ भी यूज करते हो, सभी में एंटीवायरस होना ही चाहिए, तभी हम वैसे खतरनाक वायरस से बच सकते हैं। तो इस वीडियो में हम जान रहे थे आपके कंप्यूटर वायरस के बारे में। हमने जाना कंप्यूटर वायरस कितने तरह के होते हैं, उनसे हम बच कैसे सकते हैं। बचने के लिए हमें एंटीवायरस अपने पीसी या मोबाइल या लैपटॉप में रखना होगा। आप अपने मोबाइल या आप अपने पीसी या अपने लैपटॉप में कौन सा एंटीवायरस यूज करते हैं वो हमें जरूर बताइएगा। आप कमेंट कर सकते हैं, आप कमेंट में उस एंटीवायरस का नाम आप बता सकते हैं कि आप अपने मोबाइल या आप अपने पीसी आप अपने लैपटॉप में कौन सा एंटीवायरस यूज करते हैं, और या भी कोई आप सजेशन चाहते हैं कि हम कौन से यूज करें वो भी आप हमें पूछ सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल जरूर पूछिएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।